असला स्टूडेंट्स मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग आपका फिजिक्स टीचर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर फोर के लास्ट टू न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे तो स्टूडेंट्स लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर फोर पॉइंट नाइन विच स्टेट्स डाइवर वैवन फिफ्टीन न्यूटन फ्रॉम अ बोर्ड टेन मीटर अबव द सर्फेस ऑफ अल ऑफ वाटर, यूज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू फाइंड हिज स्पीड एट अ पॉइंट फाइव मीटर्स अबव द वॉटर सर्फेस निग्लेक्टिंग एयर फ्रिक्शन तो स्टूडेंट्स नोमेडिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे तो इस नोमेडिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा गिवन है स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिखेंगे द वेट ऑफ द डाइवर इज गिवन विच इज इक्वल टू सेवन फिफ्टी न्यूटन नाउ स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे द इनिशियल हाइट ऑफ द डाइवर जिसे हम h1 से रिप्रेजेंट करेंगे इट इज इक्वल टू 10 मीटर्स और स्टूडेंट्स डाइवर की इनिशियल स्पीड किसके इक्वल होगी जिसे हम v1 से रिप्रेजेंट करेंगे हम ये अज्यूम करेंगे कि जब डाइवर बोर्ड के ऊपर खड़ा है उसकी इनिशियल स्पीड जीरो है बिकॉज इनिशियली इट इज एट रेस्ट तो v1 की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स जीरो मीटर पर सेकेंड नाउ स्टूडेंट्स अगर हम डाइवर की फाइनल हाइट की बात करें जिस हाइट पर हमने डाइवर की फाइनल स्पीड को कैलकुलेट करना है तो स्टूडेंट्स डाइवर की फाइनल हाइट को हम h2 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज इक्वल टू फाइव मीटर्स नाउ स्टूडेंट्स डाटा को कंप्लीट करने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड की तो स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल स्पीड ऑफ द डाइवर व्हेन ही इज फाइव मीटर्स अबव द वाटर सरफेस तो हम लिखेंगे फाइनल स्पीड ऑफ द डाइवर जिसे हम वी टू से रिप्रेजेंट करेंगे इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है नाउ स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी फॉर्मूला की डियर स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और By using the concept of interconversion of kinetic energy and potential energy, तो students जैसे ही diver 10 meter की height से water की तरफ move करेगा, तो उसकी height में decrease आएगा, तो height में decrease आने की वजह से हम लिख सकते हैं loss in potential energy ये किसके equal आएगा? Students जैसे ही diver jump करेगा पानी की तरफ तो स्टूडेंट्स उसकी विलोसिटी में इंक्रीज आएगा तो विलोसिटी में इंक्रीज आने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा तो हम लिखेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इफ देयर इज नो एयर फ्रिक्शन नाउ स्टूडेंट्स लॉस इन पोटेंशियल इनर्जी किसके इक्वल होगा हम लिखेंगे एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू सिमिलरली स्टूडेंट्स गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगा वन बाई टू एम वी टू स्क् माइनस वन बाई टू एम वी वन स्क्वेयर नाउ स्टूडेंट्स इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड से हम एम जी कॉमन लेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू इक्वल की राइट हैंड साइड से स्टूडेंट्स कौन सी वैल्यूज कॉमन आएंगी वन बाई टू एम और ब्रैकेट में हम लिखेंगे माइनस वी वन नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट्स एम की वैल्यू एम से कैंसिल होगी तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग इक्वेशन किसके इक्वल आएगी जी इंटू एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू वन बाई टू टाइम्स वी टू स्क्वेयर माइनस वी वन स्क्वेयर नाउ स्टूडेंट्स इस इक्वेजन को हम इक्वे नंबर वन कह सकते हैं अब हम सोल्यूशन में जस्ट इक्वे नंबर वन में वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी सॉल्यूशन की नाउ स्टूडेंट्स बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वे नंबर वन वी कैन राइट दैट जी की वैल्यू स्टूडेंट्स आएगी नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच वन की जगह हम लिखेंगे टेन मीटर्स एच टू की जगह हम लिखेंगे फाइव मीटर्स इज इक्वल टू वन बाई टू मल्टीप्लेब आए वी टू की वैल्यू अननोन है तो वी टू स्क्वेयर एज इट इज आएगा माइनस वी वन की वैल्यू है जीरो मीटर पर सेकेंड होल स्क्वेयर नाउ स्टूडेंट्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज इट इज आएगा टेन माइनस फाइव का रिजल्ट आएगा फाइव मीटर्स इज इक्वल टू वन बाय टू ब्रैकेट में हम लिखेंगे जस्ट v2 का स्क्वायर बिकॉज स्टूडेंट्स आपको मालूम है जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है नाउ स्टूडेंट्स जब हम 9.8 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट्स फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर इज इक्वल टू वन बाय टू टाइम्स वी टू स्क्वेयर नाउ स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में मौजूद टू जो कि डिवाइड हो रहा है जब ये इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो ये फोर्टी नाइन से मल्टीप्लाई होगा नाउ स्टूडेंट्स जब हम 49 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स हमारा रिजल्ट आएगा 98 मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर इज इक्वल टू वी टू स्क्वेयर नाव स्टूडेंट्स स्क्वेयर को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे तो स्टूडेंट्स आफ्टर टेकिंग स्क्वेयर रूट v2 का आंसर किसके इक्वल आएगा जब हम 98 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा रिजल्ट आएगा 9.9 और अगर यूनिट की बात करें तो मीटर का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा सेकेंड का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो स्टूडेंट्स फाइनल वैल्यू का यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड तो स्टूडेंट्स ड्राइवर की फाइनल स्पीड किसके इक्वल आएगी 9.9 मीटर पर सेकेंड के इक्वल तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल नंबर 4.9 का सॉल्यूशन जिसे हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन देयर इज नो एयर फ्रिक्शन डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फोर का लास्ट न्यूमेरिकल which is the numerical number 4.10 and it states that a child starts from rest at the top of a slide of height 4 meters what is his speed at the bottom if the slide is frictionless if he reaches the bottom with a speed of 6 meter per second वट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल इनर्जी एट द टॉप ऑफ द स्लाइड इज लॉस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन तो स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ देर आर टू डिफरेंट केसेज इन दिस नो फर्स्ट केस में हम कंसिडर करेंगे कि देर इज़ नो फ्रिक्शन और सेकेंड केस में हम फ्रिक्शन को कंसिडर करेंगे तो स्टूडेंट्स दोनों केसेस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे तो स्टूडेंट्स अगर हम डाटा की बात करें तो स्टूडेंट्स डाटा में जस्ट हाइट ऑफ द स्लाइड इज गिवन तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ स्लाइड जिसको हम एच से शो करेंगे एंड इट इज इक्वल टू फोर मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम टू फाइंड की बात करें तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में पहले हम चाइल्ड की स्पीड कैलकुलेट करेंगे एट द बॉटम इफ देर इज नो फ्रिक्शन तो हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द चाइल्ड एट बॉटम और इसे हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज अनोन और स्टूडेंट्स अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स हम क्या कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल इनर्जी जो कि लॉस्ट हुई है ड्यू टू फ्रिक्शन नाउ स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए हम डायग्राम की हेल्प भी ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स दिस इज अ स्लाइड और स्टूडेंट्स स्लाइड की टोटल हाइट कितनी है फोर मीटर्स फॉर एग्जाम्पल जो चाइल्ड है वह स्लाइड के टॉप प्वाइंट पर मौजूद है तो जब यह स्लाइड के थ्रू नीचे की तरफ आएगा तो हमने बॉटम प्वाइंट पर इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है वेन देअ इज नो फ्रिक्शन और सेकेंड केस में स्टूडेंट्स हम ये कंसिडर करेंगे कि अगर ये चाइल्ड सिक्स मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है ड्यू टू फ्रिक्शन नाउ स्टूडेंट्स अब हम फॉर्मूला लिखेंगे किस न्यूमेरिकल को हम किस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट हैडिंग होगी फॉर्मूला की स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंटरकन्वरियन ऑफ पोटेंशियल इनर्जी एंड काइनेटिक इनर्जी तो स्टूडेंट्स यहां पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है गेन इन काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल इनर्जी नाउ स्टूडेंट्स जैसे कि शन है कि फर्स्ट केस में हम ये कंसिडर करेंगे कि देर इज नो फ्रिक्शन तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी वन बाय टू एम वी स्क्वायर और स्टूडेंट्स पोटेंशियल इनर्जी की वैल्यू होगी एम जी एच के इक्वल नाउ स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर वन कह सकते हैं नाउ स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी सॉल्यूशन की सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन तो स्टूडेंट्स जब हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे वन बाय टू स्टूडेंट्स एज इट इज आएगा एम को भी हम एज इट इज लिखेंगे वी स्क्वेयर भी एज इट इज आएगा नाउ स्टूडेंट्स इक्वल की राइट साइड पे भी एम मौजूद है उसको भी हम एज इट इज लिखेंगे जी की वैल्यू स्टूडेंट्स है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एंड स्टूडेंट्स हाइट की वैल्यू है फोर मीटर्स नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि इक्वल के दोनों तरफ मौजूद एम कैंसिल हो जाएगा और स्टूडेंट्स टू जो कि लेफ़्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में है जब वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो वो न्यूमिनेटर में आएगा तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स टू मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर्स स्टूडेंट्स जब हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स वी स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा वी स्क्वेयर इक्वल आएगा 78.4 एट पॉइंट फोर के और स्टूडेंट्स अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट आएगा मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स स्क्वेयर को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे तो स्टूडेंट्स आफ्टर टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स का स्क्वेयर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो वी आएगा 78.4 का स्क्वेयर रूट आएगा 8.8 और स्टूडेंट्स यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द स्पीड ऑफ द चाइल्ड एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड इफ देयर इज नो एयर फ्रिक्शन नाउ स्टूडेंट्स पार्ट ए को सॉल्व करने के बाद अब हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स पार्ट बी में हमने परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है जो कि वेस्ट होगी ड्यू टू फ्रिक्शन व्हेन द चाइल्ड इज मूविंग विद सिक्स मीटर पर सेकेंड तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट बी का सोल्यूशन नाउ स्टूडेंट्स अब हमारे पास टू वेलोसिटीज की वैल्यूज हैं फर्स्ट वन इज जो भी हमने कैलकुलेट की है उसको हम वी वन कह सकते हैं विच इज इक्वल टू एट पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड ये वो विलोसिटी है वेन देर इज नो फ्रिक्शन और स्टूडेंट्स एक वैल्यू स्टेटमेंट में भी गिवन है जिसको हम वी टू कह सकते हैं विच इज इक्वल टू सिक्स मीटर पर सेकेंड वैन देर इज़ अ फ्रिक्शन नाउ स्टूडेंट्स अब हम दोनों विलोसिटीज़ की मदद से उनके क्रस्पोंडिंग काइनेटिक इनर्जीज़ की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स सबसे पहले हम काइनेटिक इनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वन द चाइल्ड इज मूविंग विद विलोसिटी ऑफ एट पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी और इसको हम वन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इट विल बी इक्वल टू वन बाय टू एम वी वन स्क्वे नाउ स्टूडेंट्स अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स वन बाय टू एम एज इट इज वी वन की वैल्यू है एट पॉइंट एट होल स्क्वायर और स्टूडेंट्स जब हम 8.8 का स्क्वायर लेंगे और उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर आएगा 38.72 साथ हम एम लिखेंगे और यूनिट आएगा जूल स्टूडेंट्स जैसे कि स्टेटमेंट में मैथ ऑफ द चाइल्ड गिवन नहीं है तो इस नोमेरिकल में हम मैथ की जगह एम ही यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स ये थी फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन अब हम सेकंड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स व्हेन देयर इज अ फ्रिक्शन एंड द चाइल्ड इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ सिक्स मीटर पर सेकेंड तो स्टूडेंट्स फ्रिक्शन की मौजूदगी में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम वैल्यूज पुट करेंगे वन बाई टू एम एज इट इज v2 की वैल्यू आएगी सिक्स मीटर पर सेकेंड होल स्क्वेयर नाउ स्टूडेंट्स वन बाई टू एम एज इट इज सिक्स का स्क्वेयर थर्टी सिक्स आएगा और स्टूडेंट्स जब हम थर्टी सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फाइनल आंसर आएगा एटीन टाइम्स एम जूल नाउ स्टूडेंट्स हमने फ्रिक्शन की मौजूदगी में भी और फ्रिक्शन की गैर मौजूदगी में भी काइनेटिक इनर्जीज की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है नाउ स्टूडेंट्स परसेंटेज लॉस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो किसके इक्वल होगा वो इक्वल आएगा स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइल्ड व्हेन देयर इज़ नो फ्रिक्शन माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइल्ड वेन देर इज फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल काइनेटिक इनर्जी ऑफ द चाइल्ड जो कि के किस केस में कंसिडर की जाएगी वेन देर इज नो फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड नाउ स्टूडेंट्स ओरिजिनल काइनेटिक इनर्जी की वैल्यू है थर्टी एट पॉइंट सेवन टू टाइम्स एम जूल माइनस सेकेंड काइनेटिक इनर्जी की वैल्यू है वेन देर इज फ्रिक्शन इट इज़ इक्वल टू एटीन टाइम्स एम जूल डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू थर्टी एट पॉइंट सेवन टू एम और साथ आएगा जूल मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड नाउ स्टूडेंट्स मैं अगेन बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर एम मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है नाउ स्टूडेंट्स जब हम थर्टी एट पॉइंट सेवन टू को 18 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20.72 पॉइंट सेवन टू टाइम्स एम यूनिट आएगा जूल डिवाइडेड बाय 38.7 एट एम और यूनिट आएगा जूल मल्टीप्लाई बाय 100 नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कि रेशियो में सिमिलर वैल्यूज कैंसल हो जाती हैं तो एम एम से कैंसिल होगा जूल जूल से कैंसिल होगा और जब हम ट्वेंटी पॉइंट सेवन टू को थर्टी एट पॉइंट सेवन से डिवाइड करवाने के बाद आंसर को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव परसेंट के इक्वल जिसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर किसके इक्वल आएगा 54 परसेंट के इक्वल तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमें क्या बता रही है कि अगर हम स्लाइड और चाइल्ड के दरमियान फ्रिक्शन को कंसीडर करें तो 54 परसेंट काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी ड्यू टू द फ्रिक्शन तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल नंबर 4.10 का सॉल्यूशन जिसमें इनिशियली ना सिर्फ हमने चाइल्ड की फाइनल स्पीड को कैलकुलेट किया बल्कि हमने इस न्यूमेरिकल में परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी की वैल्यू भी कैलकुलेट की जी स्टूडेंट्स जैसे कि आपने देखा आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर फोर के लास्ट टू नोमेडिकल्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस किया स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दोनों नोमेडिकल्स के सॉल्यूशंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज